कल 4:30 बजे के करीब जब मैं पैदल अपने गांव को जा रहा था तो जाम लगा था, तो 4 किलोमीटर के बीच में बहुत जाम लगा था, पूरी सड़क बंद थी। इन बिटवीन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम भी वहां से गुजर रहे थे, वो भी उस जाम में फंसे। और जब मैं उनके समीप पहुंचा अनमोल से कोई 800 मीटर की दूरी पर, तो जयराम जी वहां पर मेरे पहुंचने से पहले ही, कोई आधा घंटा पहले से ही जाम में फंसे थे। और जैसे मैं पूरी अनमोल से वीडियो बनाता गया, तो वहां पर जैसे जयराम जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी होगी, तो उन्होंने अपने PSO को आदेश दिया, तो मेरे को बदतमीजी करने लगा, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैंने बोला आपको क्या दिक्कत है। उतने में जयराम अपनी गाड़ी से उतरे और मेरी तोर लपके, और उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को बोला कि मारो इसको, सड़क को गाड़ियां ग्लॉच की, उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, मेरे से मारपीट की, और मेरे को अपनी सुरक्षा घेरे में जो गाड़ी है उनकी सिक्योरिटी में लगी ही उसमें डालकर मोल पुलिस चौकी लाए। तो पुलिस चौकी में FIR उनकी तरफ से हुई है और मैं उस FIR का स्वागत करता हूं, और मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच किसी ऐसी एजेंसी से कराई जाए जिस एजेंसी का मुखिया प्रदेश का प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैंने कितनी गालियां जयराम जी को दी है और उन्होंने क्या क्या बोला है, उन्होंने जो रामायण पढ़ी है वो भी सारी दुनिया देख रही है, सारी उन्होंने जो कहा है। मेरा ये कहना है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए और पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, और उनके जो PSO है उनका चरित्र वैसे भी संदेह के घेरे में रहे। उन्होंने कुल्लू में भी अपने वहाँ के SP आदमी गौरव शर्मा जी के थप्पड़ मारा था मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका चरित्र वैसे भी संदेह के घेरे में है। ऐसे सुरक्षा के घेरे में रहने वाले जयराम की राजनीति कितने दिन तक चलेगी, इसको हम अब उजागर करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के सभी कार्यरत कर्मचारियों से और सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों से इस जयराम के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करेंगे, एक अभियान चलाएंगे, और जिससे जयराम की बची खुची हुई साख जो बची है वो भी पतन के कगार पर पहुँचे। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है पिछले कल से, और जो हमारे साथ ये घटना हुई है, मेरे दिल को तो शांति तभी होगी जब इसकी निष्पक्ष और न्यायिक जांच होगी और मेरी FIR भी दर्ज की जाएगी। तो नमोल के आसपास जब वो पहुँचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो जिन्होंने उनकी गाड़ी रोकी और बहस करने लगा, और जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ भी वो बहस करने लगा और वीडियो बनाने लगा और गालियाँ देने लगा। तो ऐसी मतलब स्थिति मतलब हमने देखा नहीं, क्योंकि ये अनप्रोवोक्ड था। अनप्रोवोक्ड बोले तो आगे की तरफ से किसी ने कुछ कहा नहीं, वो अचानक से वो व्यक्ति ऐसे आके वो ऐसे करने लगा। तो जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो हमारे XCM साहब हैं, उनके सुरक्षाकर्मी जो हैं, तो उन्होंने इसको रोका, और हमारे जो पुलिस के SHO वहीं थे मौजूद, एक्चुअली नमोल में ही खड़े थे, तो वहाँ पर उनको हैंडओवर किया। और स्टेटमेंट देने के बाद हमने FIR रजिस्टर किया है। FIR के सेक्शंस हैं 355, 341, 504, 353 और 506 IPC में हमने FIR रजिस्टर किया है, और ये पुलिस स्टेशन बरमाना का केस है। तो इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद हम चार्जशीट पेश करेंगे, और बाकी आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार चलेगी।